और यहाँ पे जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर के जो ओल्ड आइटम्स हैं, कुछ पुराने जमाने के आइटम्स हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या क्या है। और पहले जमाने में हमारे होते थे तो वो आप सारे आइटम देखिए। छाता होता था, मालू का छाता बोलते, इसको बोलते हैं मालू का छाता। और ये मंदरा बोलते हैं, इसमें मंदरा धान वगैरह किसी जमाने में इसी में ना पोले बांध कर फिर इसमें इसको बिछाते थे खेत में, इसके ऊपर पूरा धान वगैरह निकालते थे। ये क्यारी लगा रखे हैं उन लोगों ने, क्यारी। और ये पहले जमाने का ऐसे ये बूना होता है, बूना इस टाइप का झाड़ू होता है ये पहले। और यहाँ बहुत सारी चीजें पड़ी हैं उधर, जूड़े। चूल्हा देखिए, चूल्हा। और एक गंजला, गंजला भी है, गंजला बोलते हैं इसको। आटा छानने वाली छन्नी पहले जमाने में ऐसे। और ये है गंजलू, ऐसे लोहे का होता है इसमें। और ये पहले जमाने की अलमारी देखिए, अलमारी। उससे पहले जमाने के कप रखे हुए, ये कप, ये आरी वगैरह रखे। और ये पहले जमाने के ये लकड़ी का शेर टाइप का है बर्तन, कोई लकड़ी का बना रखा है। देखो आधा शेर होगा ये, यार 250 ग्राम होगा पता नहीं। ये आरी है, छोटी सी आरी। और ये केतली देखे, उस जमाने की केतली। ये लोठिया, छोटा लोटा है ये पूरा। देखिए आलमीरा, लकड़ी का आलमीरा होता था, ऐसे दीवार पे बना रहता था। ये देखिए कोई स्पेस नहीं लिया उसने, जमीन से ऊपर बना हुआ, लेकिन दीवार जितनी दीवार की मोटाई होती है उतना ही अंदर वो लकड़ी का, उसके अंदर ये कैबिनेट बन जाता है। देखिए ये इतनी जगह, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। किसी जमाने घी दूध वगैरह ऐसे रहते थे जो बिल्ली वगैरह ना खा पाए थे। तो ये वाला घर पुराने घर जमाने का घर, अभी इन घरों में सिर्फ स्टोरेज का काम रहता है, पुरानी पुरानी चीजें सारे भी स्टोरेज कर रखी। पीड़ा, पीड़ा है। और ये काश्तकारी का सामान, लोहा, गन, बेलचा, कुलाड़ी। और ये कंडी, कंडी लगा रहे, कंडे या कंडा बोलते हैं इसको। ये कंडे है, ये कंडा है। चलना बोलते हैं इसको। अधूरी ये देखो, ये खड़े क्या बोल रही, अधूरी अधूरी आधा आधा किलो ना। अधूरी हाँ हाँ मतलब शेर, शेर का आधा है, हाँ शेर शेर का का आधा, आधा मतलब शेर का अधूरी। अधूरी। अच्छा ये छानते हैं जैसे गेहूं वगैरह, इससे छान देते थे पहले, फिर साफ हो जाते थे। झाड़ू है देखो, बबुला का झाड़ू बोलते हैं इसको। कितना अच्छा साफ हो जाता है घर इससे ऐसे। लालटेन ये क्या लालटेन, चाहिए हाँ ये देखो पहले जमाने की लालटेन होती थी, इसी में पढ़ाई लिखाई हम इसी में करते। इसमें तेल, तेल डालते थे मिट्टी का तेल इसमें, और इसमें एक बत्ती होती थी और इसको माचिस से जला के, और यहाँ पे कांच होता था। और ये इनमें घास रखा हुआ, क्या बोलते हैं उसको, कूड़ा 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 कुआ। कूड़ा नहीं, गेहूं प्याट उठे निकल दिवे थे, अच्छा कूड़ा गेहूं कूड़ा। कूड़ा हाँ तो बॉयल करी के भूसा वो टाइप का, भूसा ना हरा घास करके सुखा के, और अच्छा तब गेहूं के वो अंदर मिलता है ये, हाँ गेहूं के अंदर निकाल तो के जितना भर भर के रखा और के बाद में रखा, इसको पूरा कोटा कूड़ा है साल भर का, पूरा कूड़ा बोलते हैं। अच्छा साल भर का कोटा रख दिया है। पूरा कोटा और है किसी ये। जमाने में ऐसे पर्रिया टाइप का होता था, ये चीनी मिट्टी का है, इसके अंदर घी वगैरह रखते थे। और ये क्या है, ये तो स्टोव है। ये चूल्हा तो बता ही दिया मैंने, डबल चूल्हा, चूल्हा है डबल। और ड्रम है, और ये दूसरे स्टोर जो नीचे वाला ओपरा बोलते हैं इसका, और ओपरे में क्या क्या सामान होता है ओल्ड जमाने का, देखिए आपको सारा कुछ दिखाई देगा। ये झाड़ू भी घर में बनाए हुए हैं, सब बना खरीद के के नहीं रखे, घर से बना रखे। ये लकड़ी, ये पेड़ होता है, एक पेड़ से लाते हैं इसको, क्या क्या कौन सा पेड़ होता है ये इसको, ठाकुर छाकल, छाकल का ठाकुर पेड़ होता है, उससे ये
निकलते हैं खजूर का, उसी टाइप का पेड़ होता है, उसी से झाड़ू बनते हैं, यहाँ तो ऐसे ही झाड़ू लगाए जाते हैं। बाकी ये घास कौन के बोल दिए खड़े, ये कूरी भाई कूरी बरसिम बरसिम बरसिम, अच्छा बरसिम जी, बरसी में घास है ये तो सारा। ये है कुन्ना बोलते हैं इसको, स्टोरेज के लिए यूज करते थे इसको, मतलब अनाज वगैरह इसी में रखते थे। हाँ ये कुन्ना अनाज रखते थे इसमें, अभी तो खाली है, अभी अनाज कहाँ से रखेंगे, इतना होता ही नहीं है, अभी इतना होता नहीं है, साल भर में खत्म कर देते हैं। और ये पावर बीडर भी है यहाँ पे, क्योंकि रोड के नजदीक ही होने की वजह से ये पावर बीडर भी है, कृषि विभाग से ले रखा है और इससे खेती करते हैं। ये हमारे ये पावर बीडर बोलते हैं इसको। और साइकिल भी रखी है, साइकिल ठीक ठाक हालत में, पुराने जमाने में, और पुराना घर था ये, और बैठक हुआ करता था इसमें, मंदरा भी रखा हुआ यहाँ पे। और इसी के अंदर गेस्ट पूरे, जब नया मकान नहीं बना था ऊपर वाला, तो इसी में पूरे लोग रहते थे, गेस्ट वगैरह हम लोग जब आते थे तो इसी घर में रहते थे। बड़ा ठंडा है क्योंकि लकड़ी का बना हुआ है, दीवार वगैरह सब पत्थरों की बनी हुई है, और ठंडा घर। और ये घर बाहर चूल्हा, चूल्हे में कभी कभी खाना भी बनाते थे, और इसमें रखा हुआ है पिंडा, जो गाय को देते हैं, गाय को खिलाने के लिए पिंडा है, तवे नहीं होते, रोटियां बड़ी बड़ी बनती हैं इसमें। गेहूं अब थोड़े थोड़े पकने वाले हैं, अगले महीने में शायद अप्रैल के महीने में ये पक जाएंगे, कटाई शुरू हो जाएगी इनकी। और ये पुराना घर, ये जौ है, आम का पेड़, अरे पुराना घर जिसके अंदर मैंने आपको पुराने सामान दिखाया था सब वही है। और ये इस शेड बना रखा है, इसको फड़िका बोलते हैं, इसको फड़िका, ये छेड़ी का बनता है, और ये बांस का, और इसको बांध के ऐसे रखना पड़ता है, बरसात में बारिश नहीं आती, ये जगह कवर का। और ये मकान नया बन गया है, इसके अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या फैसिलिटी है। और अभी जिस घर में मैं रहता हूँ, मेरा स्टे है उस, इस घर के अंदर रहता हूँ मैं आजकल। और ये है बैठक, नदी में घूम रहे हैं आज हम, ये जवत्या है देखो, ऐसे होता है जवत्या, ये घास का काम आता है ये। और ये है गेहूं, और गेहूं के अंदर होता है कूड़ा, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में कूड़ा होता है, ऐसे होता है कि देखो कूड़ा घास। और ये जानवरों को खिलाते हैं, और इसे दूध बहुत अच्छे से देती है गाय, ये कूड़ा बहुत होता है, कूड़ा निकालते हैं लोग गाय गेहूं के अंदर से, कूड़ा बोलते हैं, देखो कितना कूड़ा है, इतना घास होता है इसके अंदर गेहूं के अंदर, कूड़ा बोलते हैं इसको, कूड़ा कूड़ा घास है। शाम हो गई है अब, और यहाँ पे अंधेरा होने के बाद सब लोग अपने घरों में बैठ जाते हैं, और हम भी अभी नदी में गए थे, वहाँ से आ गए हैं घूम घाम के। और आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड।